टीम इंडिया की धमाकेदार जीत, अनुष्का शर्मा ने दी टीम इंडिया को बधाई, कर डाला दिल छू लेने वाला पोस्ट। घरों में जश्न, सड़कों पर जश्न, देश भर में जश्न। भारतीय क्रिकेट टीम के T20 विश्व कप जीतने के बाद हर तरफ सिर्फ जश्न का माहौल है। 17 साल बाद जश्न का ये मौका आया है, ऐसे में हर कोई इन पलों को जीना चाहता है। बारबाडोस के किंगस्टन गोबल में आयोजित फाइनल मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को रोमांचक मैच में 7 रन से हरा दिया। इसी के साथ 11 सालों बाद कोई ICC खिताब अपने नाम किया। टीम इंडिया ने शनिवार को जो किया उसके बाद भारत ही नहीं बल्कि बाकी देश की टीमें भी उसकी मुरीद हो गई। इस जीत के बाद विराट कोहली की पत्नी भी काफी खुश है। जी हाँ, अनुष्का शर्मा ने रोहित आर्मी की जीत के बाद सोशल मीडिया पर दिल को छू लेने वाली पोस्ट लिखी है। जीत के बाद अनुष्का का वो पोस्ट दिल छू लेगा। विराट कोहली की पत्नी और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने अपनी बेटी वमिका का भी जिक्र किया। अनुष्का ने लिखा, टीवी पर खिलाड़ियों को रोते हुए देखकर मेरी बेटी की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि क्या उन्हें कोई गले लगाने वाला है। मैंने अपनी बेटी से कहा, हाँ मेरी डार्लिंग, उन्हें 1.5 अरब लोगों ने गले लगाया है। कितनी शानदार जीत और कितनी शानदार उपलब्धि है। चैंपियंस बधाई हो। बता दें आपको, विराट कोहली ने टीम की इस शानदार जीत के बाद अपने संन्यास का ऐलान कर दिया है। कोहली अब टीम इंडिया की जर्सी में T20 के फॉर्मेट में खेलते हुए नहीं दिखेंगे। उन्होंने मैच के बाद कहा कि ये मेरा आखिरी T20 वर्ल्ड कप था, यही तो हम हासिल करना चाहते थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो संन्यास की आधिकारिक घोषणा कर रहे हैं तो कोहली ने कहा कि हाँ बिल्कुल, ये तो सब जानते ही थे, कोई छिपी बात नहीं थी। यह ऐसा फैसला नहीं था जिसे हम हारने पर ना बताते। अब वक्त आ गया है कि अगली पीढ़ी T20 क्रिकेट को आगे बढ़ाए। ICC टूर्नामेंट जीतने का हमारा लंबा इंतजार था। आप रोहित शर्मा को देखिए, उन्होंने 9 T20 वर्ल्ड कप खेले हैं और ये मेरा छठा है। इन्होंने आगे कहा कि रोहित इसके हकदार हैं। अपने जज्बातों को रोकना मुश्किल था और मुझे लगता है कि ये बाद में समझ आएगा। ये एक शानदार दिन है और मैं शुक्रगुजार हूँ। आपको पता है, टीम इंडिया की जीत के बाद पूरा देश जश्न के माहौल में डूब गया। इंडिया इंडिया के नारे हवा में गूंजने लगे और मैन इन ब्लू का उत्साह बढ़ाने के लिए देश भर के शहरों में क्रिकेट फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी थी। पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी ने भी टीम इंडिया को हार्दिक बधाई भी दी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।